हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आऊँगा, तो ये रहा उस वीडियो का सेकंड पार्ट बरियारपुर का। और ये मैं सुबह उठकर फिर निकला आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। ये यहाँ का जो देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और आज वेदर भी बहुत खूबसूरत किया हुआ है, वेदर बहुत ही खूबसूरत है। तो ये रहा यहाँ का रोड, जैसे देख रहे हैं आप लोग। ये सामने रहा पहाड़, ये रहा आज का सुहाना मौसम, बादल भी बहुत अच्छा छाया हुआ है और ये रोड भी देखिए बहुत ही अच्छा है। निकल चुके हैं घूमने के लिए और ये इधर का इलाका है जो कि बहुत खूबसूरत है। जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड पीछे देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर इलाका है। ये देखिए पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है। और अब हम लोग आगे तरफ बढ़ेंगे इस रोड से होते हुए पहाड़ों के बीच में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। अब हम लोग आगे इस रोड से होते हुए आगे तरफ जाएंगे। ये देखिए रोड भी बहुत ही सुंदर रोड है और वो जो पहाड़ सामने देख रहे हैं वहाँ हम लोग को जाना है। इसी पहाड़ के पास हम लोग को जाना है, इस पर चढ़ना है। हम लोग कोशिश करेंगे इस पर चढ़ने का, देखें कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। और ये रहा रास्ता, रास्ता बिल्कुल ही खाली है। और ये आसपास का खेत जो कि बहुत ही सुंदर है। आज का मौसम सबसे खूबसूरत मौसम है आज, और यहाँ हम लोगों को जाना है। ये देखिए रास्ते और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं पहाड़, चारों तरफ से पहाड़, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। आप लोग टाइम मिले तो एक बार ज़रूर आए। ये देखिए बकरियाँ, कितने प्यारे बकरियाँ हैं, बहुत सारी बकरियाँ यहाँ पर चल रही है। ये अंकल चला के ले जा रहे हैं उनको और हम लोग भी आगे तरफ जा रहे हैं। ये देखिए बादल, हल्का सा बादल किया हुआ है, लग रहा है बारिश आएगा, लेकिन वेदर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यहाँ का वेदर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ का नज़ारा है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, ये देखिए पीछे का नज़ारा बहुत ही गजब का। कभी टाइम मिले तो यहाँ जरूर आए घूमने के लिए। ये देखिए रास्ता और पीछे आप जो देख रहे हैं ये पहाड़, जैसा आपको दिख रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम है आज घूमने के लिए। एक्चुअली हम लोग घूमने के लिए आए थे बहुत ही फुर्सत से, तो थोड़ा उनको भी दिखा दीजिए क्या कहते हैं। पर भी फोटो शूट हो रहा है, ये देखिए आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, दो कोई है, कोई बैठा हुआ है रोड में बैठ के वीडियो बन रहा है। छोड़िए उन लोगों को, हम लोग अपना वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही ऊंचा ऊंचा पहाड़ है यहाँ पे। ये देखिए लोकेशन कितना सुंदर, कितना खूबसूरत है। बिहार में भी खूबसूरती भरी पड़ी है, सिर्फ आप लोगों को सही रास्ता और गाइडलाइंस चाहिए। ये देखिए वहाँ हम लोग भी पहुँचने वाले हैं, बहुत दूर है, अभी चल रहे हैं। इसके बाद पहले वहाँ जाएंगे हम लोग सामने पहाड़ की तरफ, वहाँ का भी वीडियो आपको हम मतलब वहाँ का भी वीडियो हम लोग शेयर करेंगे आपको। बने रहिए वीडियो के अंत तक और खूबसूरत नज़ारा का मज़ा लीजिए मेरे साथ। देखिए अब वेदर जो किया है ना, बहुत तगड़ा वेदर किया है। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का मौसम है फोटोशूट के लिए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर मौसम है। ये देखिए हम लोग का रास्ता, ये पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जगह, शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे एक झील है जो कि बहुत खूबसूरत है, अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। ये देखिए
पहाड़ की चढ़ाई अभी हम लोग चढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। ये देखिए बड़ा बड़ा पहाड़। ये पहाड़ के बीच से रास्ता। काफी ऊंचाई पर हम लोग पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत नज़ारा अभी आप लोग को दिखने वाला है। थोड़ा सा वेट कीजिए, लगभग पहुंच चुके हैं हम लोग। और ये देखिए आपको अब दिखने वाला है यहाँ का सबसे अद्भुत नज़ारा, जो यहाँ का जन्नत के नाम से जाना जाता है। शायद आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ का जन्नत। ये रहा झील, अभी पानी सूखा हुआ है लेकिन यहाँ बहुत सारा पानी भरा रहता है हमेशा। ये देखिए ये सब पहाड़ उस पार में है, झील के उस पार में। हम लोग इस पार में आए हुए हैं और बीच में डैम है, ये सब पानी भी भरा रहता है कभी कभी। ये पूरा नज़ारा बनाया है, ये सब अंग्रेज बनाया है। तो अंग्रेज नहीं बनाया तो कौन बनाएगा। ये देखिए नजारा, बहुत ही अद्भुत नजारा। ये देखिए नजारा देख के दिल खुश हो गया। अगर टाइम मिले तो आप लोग एक बार जरूर आइएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा है, दिल खुश हो गया पूरा देखकर। ये देखिए ऐसा लग रहा है कहीं बाहर, कहीं दूर आ चुके हैं हम लोग, बहुत दूर आ चुके हैं ऐसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए जितना देखे उतना कम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ का जो जन्नत है बहुत ही खूबसूरत एरिया है, ये बहुत ही खूबसूरत। ये डैम है और बहुत सारे पहाड़। ये देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है। और ये नीचे देखिए जो कि बहुत ही डीप है, अगर मोबाइल वोबाइल चल जाए तो मिलने वाला है नहीं यहाँ से, इसलिए थोड़ा दूर से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। तो यहाँ से निकल के हम लोग अभी आगे तरफ जा रहे हैं। ये मेन जहाँ पे झील का मेन जो मुंह है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो बने रही वीडियो के अंत तक, आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से जाने का तो मन कर नहीं रहा, फिर भी जाना पड़ेगा आगे तरफ। इससे भी बेहतरीन जो यहाँ पर जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनको देखने के लिए। काफी बड़े बड़े पत्थर हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। पत्थर के बीच से हम लोग और आगे तब जा रहे हैं वो झील देखने के बाद। ये देखिए वो रहा झील, इसको पार करके अब हम लोग और आगे तरफ जा रहे हैं। पर्वत चढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, ये भी पता चल रहा है। ये देखिए बहुत ही
खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। हम लोग बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए भाई लोग, जितने फ्रेंड्स हैं हम लोग कहाँ पे आके खड़े हैं, पहाड़ों की ऊंचाई पे हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए अभी हम लोग इतना ऊंचाई पे आ चुके हैं और वो देखिए झील, जो एक्चुअल झील है हम लोग के नीचे, जैसा कि आप लोग ये आवाज़ सुन रहे हैं और वहाँ देख रहे होंगे। ये देखिए ये रहा झील, वो झील का डैम है और ये देखिए यहाँ की हरियाली। चढ़ते चढ़ते मैं थक चुका हूँ बहुत काफ़ी। और ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर, आपको जितना बताएं उतना कम, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए भाइयों पहाड़ी इलाका, ये देखिए दोस्तों वो रहा झील, अभी हम लोग जाएंगे झील के पास, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। इसके पहले आप लोगों ने देखा ही होगा, ऐसा बात नहीं है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, अगर आप लोग यहाँ आए कभी तो यहाँ घूमने ज़रूर आए। बहुत ही शांत और मौसम भी बहुत हम लोग के साथ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये पहाड़ों के बीच में हम लोग घूम रहे हैं। नीचे झील है, ये रहा झील, इस झील के पास अभी हम लोग जाएंगे। एक्चुअली अभी हम लोग बहुत ऊंचाई पे हैं, ये आप लोगों को हम भी दिखाएंगे, बहुत ऊंचाई पे हैं। इस साइड पे हमारे पहाड़ झील है, अभी चल रहे हम लोग आगे तरफ। ये देखिए ये टॉप ऑफ द ऊंचाई, बहुत ही ऊंचाई पे हम लोग हैं। चलते चलते हम लोग का थोड़ा भूख भी लग गया है, लेकिन यहाँ पे भी कोई साधन नहीं है। ये देखिए मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखिए, और ये देखिए सामने, अभी मैं सामने आप लोगों को दिखाऊंगा पहाड़ के बीच में से जो पानी निकल रहा है। ये देखिए नीचे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर, मैं बहुत ही खुश हो चुका हूँ यहाँ पे आके। झील का जो डैम का मशीन है ये है, और नीचे गहराई बहुत ज़्यादा है। ये देखिए ये नज़ारा, हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए पहाड़ों के बीच में झील के सामने, और ये पहाड़ हम लोग सामने, हम लोग बहुत ही काफी झील के स्थान पे पहुंच चुके हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चलो चलो, और यहाँ पर काफी लोकेशन है फोटो शूट के लिए, एक लोकेशन यहाँ मिला, यहाँ पर हम फोटो शूट कराएंगे। पहले मैं आप लोगों को बहुत ही दर्दनाक नज़ारा दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये देखिए पानी का सैलाब, ये देखिए पानी कितना खतरनाक निकल रहा है, छोड़ा जा रहा है पानी,
अगर यहाँ से मोबाइल मेरा गया फिर कभी नहीं आने वाला है। ये झील का असली मज़ा। इस तरफ डैम बना हुआ है और यहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है। तो भाइयों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और जितने भाइयों ने मेरे वीडियो देखा, जितने फॉलोअर्स ने देखा, उनको सहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं आप लोगों के लिए अलग अलग जगह पर जाकर कुछ अलग अलग चीज़ों का वीडियो दिखाता रहूँगा आप लोगों को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी। अब मैं नेक्स्ट दिन तीसरे दिन दूसरे जगह पर फिर जाऊँगा, तो उसका वीडियो, इसका पार्ट 3 भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। वहाँ का भी कुछ वीडियो अभी बाकी है, एक बार मैं नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो तीसरा वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।